धनवंत कंप्यूटर एंड आर्टिस्टिक स्किल्स यानी DCES यूट्यूब चैनल पर मैं धनवंत सिंह आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन ITI ट्रेड्स में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उससे संबंधित है। इन क्वेश्चंस का संबंध जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक मॉड्यूल होता है IT लिटरेसी, उस टॉपिक से है। इन क्वेश्चंस को आप जनरल नॉलेज के तौर पर भी ले सकते हो। जनरल नॉलेज के तौर पर आज हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस में यह क्वेश्चंस किस तरह हमारे काम आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बाइट इज इक्वल टू, यानी कंप्यूटर में शब्द होता है बाइट, वो किसके बराबर होती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। चलिए सबसे पहले इन चार ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। जब हम 4 बिट्स को इकट्ठा करते हैं, द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहते हैं। 2 बिट्स नहीं हो सकते। जब हम 8 बिट्स को इकट्ठा करते हैं, द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, यानी ग्रुप ऑफ 8 बिट्स जो है वो बाइट होती है। और जब 16 बिट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो वो 2 बाइट्स बन जाती है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 बिट्स। चलिए मैं एक पिक्चर दिखाता हूं आपको बाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाइट जो होती है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होती है, और कंप्यूटर की भाषा में बिट को 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो मशीन होती है, कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करती है। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में आमतौर पर क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हमारे पास, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन डी है सर्किट डायग्राम। चलिए इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होता है और प्रोग्राम भी होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर माउस भी होता है और कीबोर्ड भी उससे कनेक्ट होता है, और कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किट डायग्राम के तौर पर हमारे पास होता है। मगर
इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? विदाउट अ हार्डवेयर और विदाउट अ सॉफ्टवेयर वी कैनॉट इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए डायग्राम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। सामने तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, एक पार्ट हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्डवेयर में हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, यानी कि टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है। पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है हमारे पास एमएस वर्ड है, एंटीवायरस है, या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं। तो विदाउट अ हार्डवेयर एंड विदाउट अ सॉफ्टवेयर वी कैनॉट इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू अनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेजेस इज कॉल्ड। A software application used to enable computer users to locate and access web page is called। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में वेब पेज को पढ़ने के लिए, एक्सेस करने के लिए, लोकेट करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी हमारे पास वेब सर्वर, ऑप्शन डी हमारे पास, सी हमारे पास जो है वेबसाइट, ऑप्शन डी जो है ईमेल। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है का प्रयोग जो है वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए, ब्राउजर। ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेब कंटेंट। जो वेबसाइट्स के अंदर वेब कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर का प्रयोग जो है कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। चलिए ब्राउजर के बारे में जानते हैं। सामने आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, यह चार तरह के वेब ब्राउजर लोगोस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, सेकंड जो रेड कलर में लोगो आपको दिखाई दे रहा है ओपेरा का है, थर्ड में हमारे पास गूगल क्रोम है, फोर्थ में मोजिला है। यह वेब ब्राउजर जो होते हैं, ये वेबसाइट्स और वेब पेजेस को हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं। ब्राउजर जो है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज, नोटपैड। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। वेब पेज वेबसाइट का पेज जो होता है, जो ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है वायरस को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस।
वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी दूसरे प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है, उसका एग्जीक्यूशन जो है खराब करता है, उस प्रोग्राम में कोई बदलाव लाता है, यानी कि कह सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आउटपुट को अफेक्ट करता है, उसके एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करता है, उसे हम वायरस बोलते हैं। वायरस भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए वायरस की एक तस्वीर देख लेते हैं। सामने तस्वीर में आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहा है जो वायरस से इफेक्ट हुआ है। वायरस जो है बूट सेक्टर में हो सकता है, वायरस किसी प्रोग्राम में हो सकता है, वायरस जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को खराब कर सकता है, वॉर्म्स के रूप में हो सकता है। ट्रोजन हॉर्सेस एक ऐसा वायरस है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। वायरस किसी न किसी प्रोग्राम के रूप में इंटरनेट से या किसी डीवीडी ड्राइव से या किसी पेन ड्राइव से या कहीं ना कहीं से नेटवर्किंग से हमारे कंप्यूटर के अंदर हैकर्स के द्वारा दाखिल किए जाते हैं, ताकि हमारे जो एग्जीक्यूशन है कंप्यूटर सिस्टम को, उसके एग्जीक्यूशन को रोका जा सके। वायरस आमतौर पर अपने जैसी फाइल्स जो है मेमोरी में बनाते रहते हैं, जिससे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, जो गैरकानूनी एक्टिविटी इंटरनेट पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग। ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। वायरस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को इफेक्ट करता है। सी जो ऑप्शन है, सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर में जिसका प्रयोग इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास गूगल है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे पास काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप को हम प्रयोग में लाते हैं, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साइबर क्राइम। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इलीगल काम हम करते हैं, कोई गैर कानूनी काम जो किया जाता है वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम सेल्स बनाए हुए हैं जो इस पर कार्रवाई करते हैं। तो एक तस्वीर मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में दिखाता हूँ। हैकर्स जो होते हैं वो साइबर क्राइम कमिट करते हैं, वेबसाइट्स पर, यूनिवर्सिटी साइट्स पर, बैंकिंग साइट्स पर कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हैक करने के लिए, लीक करने के लिए साइबर क्राइम जो है कमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो रीजनल एरिया में, नेशनल एरिया में, ग्लोबल एरिया में फैला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। लैन, उसे हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है किसी भी कंप्यूटर लैब के अंदर या किसी लोकल बिल्डिंग के अंदर स्पैन होता है। मैन जो होता है जिसका एरिया 50 से 40 किलोमीटर तक हो सकता है पूरे शहर में। कैन जो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में जो नेटवर्क बनाया जाता है। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, जो रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया तक, यानी पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं वैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
वाइड एरिया नेटवर्क की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर काफी सारे नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े होते हैं, यानी वैन को हम बोल सकते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, जिसका जो एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू के अंदर क्या होता है, किससे मिलकर सीपीयू बनता है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू, स्टोरेज डिवाइस एंड ईएलयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। सीपीयू मेनली बनता है कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को बताती है काम कैसे करना है, और ईएलयू जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, एंड ईएलयू परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ गिवन इनपुट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू। इसका एक डायग्राम मैं आपको, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास इनपुट यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है यानी जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, आउटपुट यूनिट होता है, और जो सीपीयू है वो कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल यूनिट का और एएलयू का। वो आपको डायग्राम में पता चल ही गया होगा कि कंट्रोल सीपीयू जो बनता है कंट्रोल यूनिट से और एएलयू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारे पास जो आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका डायग्राम देख लेते हैं, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे तो सीपीयू हमारे पास इस तरह दिखाई देता है। कंप्यूटर सिस्टम के आम डायग्राम में हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन होती है, यानी कि स्क्रीन होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड और माउस और मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू के अंदर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सी नेटवर्क टाइप का प्रयोग किया जाता है। फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, देखते हैं इसके ऑप्शंस। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम प्रयोग में लाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, किसी लैब के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो इसका आंसर जो है ए है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। ऑप्शंस बाकी भी डिस्कस करते हैं, मैन का प्रयोग जैसे एक पूरे शहर को कवर करना हो उसके लिए मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसका एग्जाम्पल है केबल नेटवर्क जो शहर के अंदर फैला होता है। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑल ओवर द ग्लोब फैला हुआ होता है। कैन जो कैंपस एरिया नेटवर्क, एक कॉलेज कैंपस में, एक यूनिवर्सिटी कैंपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम कैंपस एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क लैब। एग्जाम्पल तस्वीर के रूप में हम देखते हैं, ये देखिए एक लैब का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, कंप्यूटर लैब में जो सभी कंप्यूटर सिस्टम है वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होंगे, जिससे हम रिसोर्स को शेयर करते हैं, प्रिंटर को शेयर करते हैं, नेट को शेयर करते हैं,
जो हो और डिवाइसेस होती हैं हमारे पास उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट मेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ईमेल में जब आप किसी रिसिपिएंट को ईमेल की कॉपी सेंड करना चाहते हैं तो उसको किस फील्ड में एंटर करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, टू फील्ड में लिखते हैं रिसिपिएंट को जिसको कॉपी भेजनी है, सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट यानी ईमेल का सब्जेक्ट। इसका जो राइट आंसर है सीसी यानी कार्बन कॉपी। जब हम एक मेल की कॉपी बहुत सारे यूजर्स को भेजना चाहते हैं एक साथ कि सभी को चली जाए वो कॉपी, तो उसे हम सीसी फील्ड में डालते हैं कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी राइट है, सीसी कार्बन कॉपी। इसको हम मेल स्ट्रक्चर में देखते हैं, एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ आपको। जब भी हम मेल को, चाहे आप जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं, याहू अकाउंट यूज कर रहे हैं, रेडिट मेल यूज कर रहे हैं, हमारे पास फ्रॉम ऑप्शन होती है, जिस ईमेल से मेल जा रहा है, टू जिसको जाना चाहिए। हमारे पास नीचे दो ऑप्शंस हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जब हम करते हैं तो हमें रिसिपिएंट का नाम और उसका ईमेल एड्रेस जो दिखाई देता है जो हमने सेव किया हुआ है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसको भी हमने मेल भेजा है उसका नाम और अकाउंट हमें दिखाई नहीं पड़ता। सब्जेक्ट फील्ड में हम मेल का सब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका आंसर है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में क्या कहते हैं जब रोज एंड कॉलम्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, सेल, लेबल, स्क्वायर, वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। जब रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। इसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दिखाना चाहता हूं, तस्वीर को देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट हमारे पास आपको नजर आ रही है जिसमें रोज एंड कॉलम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनता है। आपको कर्सर जो है हाईलाइटेड सेल पर दिखाई दे रही है। लेबल यानी कि सेल का एड्रेस हो गया A1, B1, B2, A2। तो इंटरसेक्ट जब करते हैं रोज एंड कॉलम्स तो सेल बनते हैं, सेल में हम वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन MS Excel कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। वर्कशीट की कलेक्शन को क्या कहते हैं एक्सेल में। ऑप्शंस देखते हैं, वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल बुक, शीट वर्क। तो इसका राइट आंसर है वर्कबुक। एक्सेल में जब हम वर्कशीट्स को इकट्ठा करते हैं तो जो फाइल हमें हमारे पास बनती है, हमारे सामने आती है, उसे हम वर्कबुक बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं प्रैक्टिकली। हमारे पास एक वर्कबुक है, टाइटल बार से आपको पता चल जा रहा है बुक वन वर्कबुक है। उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी वर्कशीट्स होती हैं, 3 होती हैं। आप अपनी मर्जी से नई वर्कशीट भी ऐड कर सकते हो, यानी कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्कशीट्स इज नोन एज वर्कबुक। तो वर्कबुक का एक नाम होता है, उसको हम सेव करते हैं। एक वर्कबुक में आप जितनी चाहो उतनी वर्कशीट्स ले सकते हो, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज नोन एज वर्कबुक इन एन एक्सेल। उम्मीद है आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए DCAS। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।